सोलन में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर्व के रूप में वाल्मीकि सुधार समिति द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं भाजपा कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपस्थित सभी सदस्यों ने भारत रत्न बाबा डॉक्टर अंबेडकर के छाया चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में उपस्थित युवाओं को विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित शोषित वर्ग के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। वाल्मीकि सुधार समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद मट्टू ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब एक विद्वान राजनेता विचारक एवं समाज सेवी थे। समाज में दलित वर्ग को प्रगति की राह दिखाने में बाबा साहब का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर उनके बताए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इसलिए उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रण लिया है कि वह उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर दलित वर्ग उत्थान के लिए वह पूर्ण कोशिश करेंगे। आज का दिन 14 अप्रैल बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको हमारा पूरा वाल्मीकि समाज मिलके बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। और आने वाले समय के लिए भी हमने जो हमारे में आज तक की जो त्रुटियां रही हैं, बाधाएं रही हैं हमारे समाज में, अछूत वर्ग जो जिसको कहा जाता है, उसको इन्होंने दूर किया है। उसी पे चलने के लिए हम अग्रसर हैं। और हमारे समाज को आज तक हमारे स्वर्ण समाज ने अछूत समझा है और उसको तुच्छ समझा है, लेकिन अब वो बात नहीं है जैसे पहले थी। लेकिन उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने जो कहा कि आप शिक्षित हुए, संघर्ष कीजिए और एकता का प्रदर्शन दीजिए, उसके उपलक्ष्य में हम उनकी दी हुई शिक्षाओं पे अग्रसर हैं। और उनके जन्मदिन पर महर्षि वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि सभा सोलन की तरफ से समस्त वाल्मीकि बड़े उनकी जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं।